सदस्य जिला पंचायत अयोध्या जी, राम मंदिर और यही मान लीजिए मैं बबलू खान मुहिम राम मंदिर निर्माण आंदोलन अयोध्या। सर ये श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद बहुत पुराना लंबा जो एक विवाद बना हुआ था उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, अब फैसले का इंतजार है, इस पर आपका क्या विचार है? और दूसरी चीज़, जिस प्रकार से राजीव धवन ने मुस्लिम पक्षकार के ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का एक नक्शा को फाड़ा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि रामलला का वनवास अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये आसार दिख रहा है। और राजू धवन जी ने जो यह पर्चा फाड़ने का काम किया है, तो जैसे कि हमने भी बहुत अखाड़े में कुश्ती देखा है, जब पहलवान हारता है तो कभी वो दांत काटता है, कभी वो लंगोटा खींचता है, तो कभी अखाड़ा से बाहर भागने का मतलब गलत तरह तरह का वो कार्य करता रहता है, उसी तरह से राजू धवन ने भी ये किया क्योंकि उन्होंने भी मान लिया कि वो मुकदमा हार चुके हैं, इसलिए वो चिड़चियापन या खिसिया करके उन्होंने ये हरकत किया है, बचकाना हरकत किया है, जो कि देश के सबसे बड़ी अदालत में उन्होंने ये तौहीनी किया है, इतना गंदा काम किया है कि उनको सज़ा मिलना चाहिए। अगर सज़ा उनको नहीं मिलता है तो देश के अदालत सबसे बड़ी अदालत पे लोग भरोसा करना बंद कर देंगे। फैसला करीब में है, बहुत जल्द आने को है, इसको लेकर के आपके क्या कहेंगे? देखिए हमने पहले भी कहा है कि रामलला का वनवास खत्म हो गया, और देखिए हम कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हम सच्चे मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, खुदा कभी इबादत नहीं कबूल करता है जहाँ खून बहे, विवादित स्थान पे खुदा कभी इबादत कबूल नहीं करता है जहाँ पे विवाद हो। हम नमाज पढ़ें और हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई के दिल में राम बसे हुए हैं, उनको तकलीफ हो रहा है, तो वो नमाज हमारा कभी कबूल नहीं होगा, जो कि ये हमारे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। और मैं कई वर्षों से यही देखते हुए राम मंदिर निर्माण की मुहिम इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि